what you doing, what you doing. क्या कर रही हो? ये सब शादी के बाद करेंगे। शादी? उठो। तुम मुझे फास्ट लगा इसलिए तो मैं तैयार हो गई। ये शादी वादी क्या है? तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? It's just a one night stand. साइकिल स्टैंड, बस स्टैंड तो सुना है, ये वन नाइट, इसका मतलब एक रात के लिए? क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? Get out. मेरी बात तो सुनो। Get out. एक नंबर की चालू निकली, ठरकी गई की। शादी करेगा। कल मेरे पड़ोस के बच्चों ने पिज्जा ऑर्डर किया था। ठीक उसी वक्त ऊपर रहने वाले वर्मा जी को हार्ट अटैक आ गया। जाहिर है एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस से पहले पिज्जा वाला आ गया। पता नहीं देश आगे जा रहा है या पीछे। हाँ सही कहा। थैंक यू सर। वेलकम। नमस्कार सर। एक बार जो कहा समझ में नहीं आता क्या? सरकार मुझे मेरा काम करने के लिए सैलरी देती है। जेब में ज्यादा पैसे हैं तो डोनेट कर दो, या एम्बुलेंस खरीद कर थोड़ा सोशल वर्क करो, लोगों की दुआएं मिलेंगी। वापस रख, बैग में डाल। मुझे पहले ही पता था आप रिश्वत नहीं लोगे। आपकी अच्छाई देखकर बहुत अच्छा लगा सर, पर हम बुरे लोग हैं। हमसे दुश्मनी मोल लेकर आप अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं। करेक्ट। ठीक है चलता हूँ। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा था सर, अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना सर। अब मैं सुधर गया हूं, चलता हूं। इसे अचानक क्या हो गया? हरी भाई का असर है। हीरो कौन है तू? नाम शीनू है, मैं यहाँ कैंटीन में काम करता हूँ। तेरा बायोडाटा किसने पूछा क्या 2x2? ए चल बाजू हट, हवा आने दे। ए लास्ट वार्निंग है, चल बटले यहाँ से। सीधी तरह से शर्मा जी को सॉरी बोल के यहाँ से 9-2-11 हो जा, और फिर गलती से भी यहाँ आसपास दिखना मत, नहीं तो क्या रे? चाय इनकी धुलाई के पहले पियोगे या बाद में?
अभी कहाँ है वो? 6 बजे आपकी ड्यूटी खत्म होती है और हरी भाई की शुरू होती है। हाय सृष्टि। हाय सृष्टि, हाउ आर यू? आई एम गुड, होप यू आर फाइन टू। या आई एम फाइन। अरे यार, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिलके जाऊँ। बाय द वे, काम कैसा चल रहा है? नया जॉब लगा है ना, अभी तो सेटल ही हो रही हूँ मैं। अच्छा, श्वेता ने कॉल किया था, नेक्स्ट वीक गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो तू भी आ जाना ठीक है? श्योर, आई विल बी देयर। मॉर्निंग। ओह, आज इंग्लिश पेपर नहीं आया। हु इज ही? हरी, मेरा भाई। ओह, ओके। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। ओह सॉरी, आई डिडंट नोटिस यू। हरी। Srishti. Beautiful name. I like it. Didi, so this weekend, what's the plan? You want to go for a movie or something? Bhai, ye free hogi na? Shaam ko movie chalenge? Oh, excuse me. Oh, please carry on. Sorry, it's my husband. Hi, honey. Haan, main Priya ke ghar par hoon, aa rahi hoon. Thodi der wait kar lo na. Bas aadhe ghante mein pahunch rahi hoon. Haan, baby. Okay. Love you too. भाई, हम सुल्तान देखने चलें क्या? काहे की मूवी दीदी? मॉम पूरे हफ्ते घर का काम करती है, वीकेंड पर हम उनका हाथ नहीं बटा सकते? बेशरम को मूवी देखनी है। क्या हो गया? ये ठीक नहीं है आंटी। आंटी? लड़कियां चेहरा ढककर चलती हैं ताकि पता ना चले कि वो सुंदर है या नहीं। कुछ मंगल सूत्र ढक लेती है ताकि पता ना चले उनकी शादी हुई है या नहीं। हमें पता तो होना चाहिए कि किस पर ट्राई करना है और किस पर नहीं। भैया डंबल, सिर पर मारो अपने। लाओ मॉम। कौन है वो? दीदी की फ्रेंड है। कैसी लगी? जैसी भी है, शादीशुदा। अरे, खूबसूरत लड़कियों की शादी जल्दी क्यों होती है? होती है तो भी वो यहाँ क्यों आती है? सही कहा। कॉफी मांगे तो बिल्कुल मत देना। नहीं दूंगी। यार जवानी बहुत डेंजरस है। पहले प्यार करने के लिए लड़की ढूंढो। दिखती तो बहुत सारी है लेकिन मिलती एक भी नहीं है। और बचपन छेड़ दिया यार, बचपन की यादें अभी एकदम सेट हैं। ऐसा क्या? चलो। बचपन में ही तो मुझे मेरी शैलू दिखी थी, मुझे वो बहुत मुरझाई हुई सी लगी। जो लड़की स्कूल ड्रेस में सरस्वती देवी लग रही थी, बर्थडे ड्रेस में वही श्री देवी लग रही थी, और मैं प्रभु देवा बनकर उसके साथ डांस करना चाहता था। मम्मी पापा अब तक नहीं आए। कल पक्का आ जाएंगे। चलो अब केक काटो। पापा कल तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आएंगे, ठीक है बेटा? शैलू। तब मेरी बत्ती जली कि वो अपने पापा को मिस कर रही है। रोते हुए शैलू काफी क्यूट लगती थी, पता नहीं हंसते हुए कितनी सुंदर लगती होगी। देखा, शैलू हंसते हुए सुंदर नहीं, बहुत सुंदर लगती थी, और मैं बस चाहता था कि हमेशा शैलू के पास रहकर उसे स्माइल करता हुआ देखूं। लेकिन ऊपर वाले को यह गवारा नहीं था और यहां से भी मेरा पत्ता कट कर दिया। मेरे पापा का मुंबई ट्रांसफर हो गया। शैलू मेरा पहला प्यार, लेकिन उससे कभी कुछ कह ही नहीं पाया।
उसके मामले में जो गलती हुई वो किसी और लड़की के साथ दोहराना नहीं चाहता था। अभी इसी पल से मेरी लाइफ में लव के लिए नो एंट्री है। अनीता, अगर तुम्हें नींद आए तो मेरे सीने से चिपक के सो जाना। अगर मेरी धड़कनों का शोर तुम्हें परेशान करे तो मैं उन्हें भी रोक दूंगा। अबे मर जाएगा साले। ए, ए, हरी, कौन है बे? ए, रुक। ये खूबसूरती की मूरत तुम कहाँ से पकड़ के लाई हो? हेलो हेलो, बिना फोन के हेलो बोलता है? तुम तो शक्ल से समझदार लड़की लगती हो। मैं क्या मर गया था? इसमें क्या देखा तुमने? Love is blind, okay? इतना blind? अबे इतना blind? छोड़ना यार, अपने को क्या लेने देना? नहीं, एक मिनट यार, लड़की सिस्टर भाई की तरह एडवाइस दे रहा हूँ। तुम ही रात को गॉगल क्यों पहने? अबे उतार, निकल, इसकी जेब अच्छे से काटो। जब ये कंगाल हो जाएगा ना तो तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेगा, ओके ना? लव फोन नंबर दो। चलो डार्लिंग, यहाँ पर खड़े रहे तो या शादी से पहले डिवोर्स करा देगा। जाने दे ना यार। हाथ छोड़, ए गॉगल हाथ छोड़। तो जा, चल बैठ, चढ़ गई तुझे। क्या जमाना आ गया है। अरे दूसरों की छोड़ यार, बॉटल गटक और यहाँ से सटक। तूने बोला था समंदर जैसी दोस्ती गहरी है, अब बोलते समंदर छोड़ के चला जा। चल बता और कितनी पिएगा। आजा फेंक मारूंगा। प्लीज श्योर। ठीक है मैं लाता हूँ, तू यहीं रहना, हाँ कहीं जाना मत। पैसे भी नहीं है मेरे पास। अपनी बाइक पर ड्रॉप करोगी? नाम तो बताओ। क्यों बताऊं? बड़ा अजीब नाम है, क्यों बताऊं? ज्यादा बोलोगे तो यहीं उतार दूंगी। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे अपने साथ लेकर ही नहीं आती। अब तुम ऐसा नहीं करोगी। मतलब? नंबर दो, SMS करके बताता हूँ। मुझे बचा के तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। वैसे मैं अच्छा स्विमर हूँ, पानी में गिरता तो स्विम करके किनारे पहुँच के फिर से टली होता। उतरो। What happened? तुम्हें स्विमिंग आती है तो रनिंग भी आती होगी। जाओ भाग कर घर चले जाओ। अरे हरी, यार वो लड़की कौन थी? क्यों बताऊं? अरे यार तू मुझे नहीं बताया। मैंने नाम पूछा तो उसने यही बताया। सच में? कैसी थी वो? मुझे तो एवरेज लड़कियां भी झकास लगती हैं। ये तो झकास की माँ है। तू बता कैसी होगी? तो फिर चल उसका पीछा करते हैं। पीने से पहले जो कमिटमेंट किया पीने के बाद नहीं भूलता। मेरी लाइफ में लव के लिए नो एंट्री है। अगर ऊपर भगवान है तो मुझे वो लड़की फिर कभी नहीं दिखेगी। कौन हो बेटा तुम? कहाँ से आई हो? बोलो ना बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सब तुमसे ही पूछ रहे हैं बेटा। डरो मत बेटा, बोलो। जवाब दो। डरो मत। अरे बोलो ना। बोलती क्यों नहीं? बेटा घर कहाँ है तुम्हारा? बोलो। कहाँ से आई हो? कब से पूछ रहे बेटा? कुछ तो बोलो। बोलती क्यों नहीं? अरे क्या नाम है तुम्हारा? कुछ तो बोलो। ये छोटी बच्ची है। पर कब से पूछ रहे, कुछ बता ही नहीं रही है। आओ बैठो। क्या नाम है बेटा?
आरती। पूजा? हाय पूजा, क्या हुआ? तुम्हारे फ्रेंड को बुखार है? कहाँ रहती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? रेनबो? सुन बोल हरी, जरा पता कर गांधीनगर में रेनबो नाम का कौन सा डेफ एंड डम स्कूल है। ओके। ये दांत कौन ले गया? हरी आप ही का नाम है ना, हम पूजा को लेने आए हैं। ये क्या है, इन बच्चों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है ना, और ये बेचारी यहाँ हॉस्पिटल में घूम रही है। माफ कर दीजिए, आइंदा ध्यान रखेंगे। आ। You're a cutie. Bye. Madam, are you from Cathy Ad Agency? Yeah. Sir is calling you. Thank you. अरे उसकी चिंता तो मत कर। हेलो, हम 5 मिनट में मिनिस्टर को उसके घर से लेकर निकल जाएंगे। अरे साले साहब, आप खाली आ जाओ। सारा इंतजाम हो गया ना? आके खुद देख लो ना। ओके। ए, ये रास्ते के बीच में क्या तमाशा लगा रखा है, दिमाग तो ठीक है? चलो गाड़ी हटाओ। तू इधर नया आया है क्या? ये इतनी सारी पब्लिक इधर शांति से काय को खड़ी है, तेरे भेजे में बात नहीं घुसी क्या? एक्चुअली मैं मिनिस्टर आ रहे ले, अब उनका साला उन्हें लेके आ रहा है। 1 घंटा तो इधर रुक, खाली स्टैचू का इनॉग्रेशन हो जान दे, और अगर तू नहीं रुक सकता तो अपन के पास एक आइडिया है स्पेशल तेरे वास्ते। इधर खड़े ले किसी को भी बस एक बार हॉर्न बजाने के लिए मना ले, फिर हम लोग निकल लेंगे। तमें तो हॉर्न बजवाओ साहेब। अबे रस्ते के बीच में डिस्कशन क्यों कर रहे हो, घर पे जाके करो। क्या बे, बड़ी जल्दी है तुझे। पॉल्यूशन की वजह से पहना था यार,
मैं कोई बैंक लूटने नहीं जा रहा हूँ जो दिन दहाड़े मुंह ढककर यहाँ वहाँ फिरूंगा। एम्बुलेंस को रास्ता से इतनी भी अक्कल नहीं है। बिना परमिशन अंदर कैसे आए? चलो निकलो यहाँ से। आओ। Next month, Shiloh is going to direct an act. Congrats. Thank you, Kirti. All the best, Shiloh. All the best. Thank you so much. Hey, who are you? बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? तमीज नहीं है? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? Security. यहाँ कीर्ति कौन है? मैं तुम्हारा लवर। क्या नाम है उसका? तारुण। उसकी शादी किसी और लड़की से हो रही है। उसका बाप शादी के इंतजाम में लगा हुआ है। तेरा बाप मेरे पास है। वो चाहे तुझसे कितना भी प्यार करता होगा, पर तेरी तरह वो भी अपने बाप से बहुत प्यार करता है। बिल्कुल भी बेवकूफी मत करना। चुप रहोगी तो तुम्हारा बाप सही सलामत घर लौट आएगा। पुलिस या मीडिया के पास गई तो मम्मी के लिए दूल्हा ढूंढना। ए दाढ़ी बैठ। वो बार बार मेरे सामने आ जाती है। हमारे बीच कुछ तो है। समझ में नहीं आता कि सिर्फ मैं प्यार करता हूं या उसे भी कोई इंटरेस्ट है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा? क्यों बताऊं? याद है तुम्हें लिफ्ट दी थी, बीच में ही उतार दिया था। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या है ये सब? शैलू, ये प्लीज सब? चली जाओ, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुन। खुद मैनेज कर लूंगी। देख, रो मत। मैं तरुण के बिना जिंदा नहीं रह सकती। बात तो पूरी होने दे। मुझे किसी से बात नहीं करनी। कीर्ति, प्लीज प्लीज चली जाओ। फीलिंग करो। आर यू फीलिंग बेटर? मेरी लाइफ में सारे गुंडे। चुप। ये शराब पीने से वो तुमसे शादी करेगा क्या? इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम कुछ और ट्राई करो। तो क्या करूं? हम लड़कियां दारू पीने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कोई बात नहीं, मुझ पे तो भरोसा करती हो ना? मैं तुम्हें जानती नहीं तो भरोसा कैसे करूं? ओके, तो मैं चलता हूँ। हेलो, सुनो तो, मैं तुम पर भरोसा करूंगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी, तुम्हारा नाम जाने बिना मैंने तुम्हें हक किया। हरी। थैंक यू सो मच हरी। कौन है वो? अपने एरिया का ही है। गुंडागर्दी करके काम करवाने के लिए काफी बदनाम है। उसका नाम महर्षि। महर्षि, ये कैसा नाम है? बचपन में किसी के प्यार में पड़ गया था। तब एक पिक्चर आई थी जिसमें हीरो का नाम महर्षि था। फिल्म की हीरोइन और इसकी हीरोइन दोनों का नाम सुचित्रा था, इसलिए उसका फिल्म से कनेक्शन जुड़ गया। 4 साल तक उस लड़की के पीछे पड़ा रहा, पर उस लड़की की शादी हो गई और ये मजनू से देवदास बन गया। तब से रोज रात 8 बजे वो महर्षि पिक्चर देखता है और रोता धोता रहता है। टोटल खिसका हुआ है, उसे संभालना बड़ा मुश्किल है। जरा ध्यान से। ज़्यादा दीखा मत बनाना और ऊपर नींबू निचोड़ना। अब यार
महर्षि, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मेरी शादी तय हो गई है, तुम इस सुचित्रा को भूल जाओ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे उसका नाम क्या था? सुचित्रा। अभी इसको नाम नहीं बताया क्या? सुचित्रा। कौन? विचित्रा। तुम्हारी सुचित्रा। शायद लाइन कट गई। नहीं नहीं नहीं, सुचित्रा सुचित्रा, कैसे हो तुम गुलाबराव? प्यार में पागल हो? मुझे माफ कर देना, जब तक मैं तुम्हारा प्यार समझ पाई मेरे बच्चे मुझसे भी लंबे हो गए। देखो देखो सुचु, आवाज कट रही है, अभी क्लियर हो जाएगी। कितना तड़पा हूं तुम्हारी याद में। हमारी किस्मत में मिलना नहीं था, तुम तो प्यार की अहमियत को समझते हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी बेटी कीर्ति के प्यार और शादी के रास्ते में आओगे। कीर्ति? कीर्ति तुम्हारी बेटी है? हाँ। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम टेंशन मत लो, मैं खुद अपनी कीर्ति की शादी करवाऊंगा। वादा रहा सुचित्रा। थैंक्स सुचित्रा, आई लव। थैंक यू सो मच हरी। इट्स ओके। महर्षि के साथ इमोशनल अत्याचार करने की वजह से उसने कीर्ति के पिता को सही सलामत छोड़ दिया। शादी धूमधाम से हुई। हरी, crazy 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 feeling, it's a crazy 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 feeling, it's a crazy 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 feeling, it's a crazy 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 feeling. हेलो शैलू, तेरे पापा मुंबई आ रहे हैं। तू घर पर है ना? नहीं, अभी ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ। उनसे मिल लेती, बाय। हर बाप बेटी का एक खास रिश्ता होता है और हर बेटी अपने पिता के बहुत करीब होती है। मैं भी बचपन में अपने पिता की गुड़िया बनना चाहती थी। वो जब घर पर नहीं होते तो उनकी याद में आंसू बहाती, माँ से बार बार उनके बारे में पूछती। लेकिन फिर मैं समझ गई कि मेरे पापा वैसे नहीं हैं जैसा मैं उन्हें समझती थी। I started hating my father. पापा ने मेरे पप्पी को मार डाला। मेरे पापा अच्छे पापा नहीं हैं।
मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना श्रीनिवास जी, इनका नाम बाबजी है, शायद आपने इनका नाम सुना होगा। सुना बोले तो 100% सुना होगा, मिनिस्टर से लेके दुबई के अंडरवर्ल्ड तक सब इन्हें सलाम करते हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ श्रीनिवास जी, सारा रोना साला तेरी जमीन को लेके। एक बड़ी कंपनी ने अपन से कॉन्टेक्ट किया है, पार्टी सॉलिड है, दिल्ली के लोग हैं। आपको तो मालूम ही है, वो लोग दरअसल साले साहब के साथ मिलके दो पहाड़ के बीच में 400 एकड़ की लैंड पर एक A1 रिसॉर्ट बनाना चाहते हैं। वो 400 एकड़ में से जो 100 एकड़ जमीन तेरी है वो हमारे नाम करते हैं, ताकि आगे कोई लोचा लपाचा ना हो। तो भाई ये रहे कागजात और ये रहा 10 करोड़ का चेक, आप साइन कर दे। अगर साइन कर दिया तो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिताओगे, और अगर मना किया तो साइन करवाने के और भी तरीके हैं। तुमने कहा कोई जरूरी काम है, मैं सारे काम छोड़कर आ गया। अगर फोन पर ही बता दिया होता तो यहां आकर टाइम बर्बाद नहीं करता। तेरे को मालूम है तू किसको मना कर रहा है? पारस याद रहे, जिनमें तमीज नहीं होती उन्हें मैं अपने आसपास नहीं देखना चाहता। हर धर्म हमें एक ही बात सिखाता है, सबसे प्यार करो, सबके साथ मिलके रहो, सबका मालिक। उतर के उन दोनों से बात करनी है। रहने दो, अभी वक्त नहीं है मेरे पास, चलो। शैलू, हम सब घर जा रहे हैं। मैं अभी यही हूं, मुझे कुछ काम है। ऑल राइट। शैलू, ऑफिस में हूँ। इतनी उदास क्यों लग रही हो? उदास नहीं हूँ, जस्ट वर्क स्ट्रेस। ओह ठीक है, कल फोन करता हूँ। मैं कल गोवा जा रही हूँ। ओह, कितने दिनों के लिए? 5 days। टाइम क्या हुआ है? 11:30। क्यों? मुझे घर पहुंचना है, कल शूट के लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, और ये बारिश है कि रुकती नहीं है। तो चलो भीग कर चलते हैं। मुझे साइनस है, अगर भीग गई तो फिर। Thank you.
सुबह एयरपोर्ट। मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे कितने दिन का ट्रिप है? 5 days। ये कार किसकी है? दीदी की। भैया, आपने मेरी कार कीज देखी? हाँ? नहीं। पर मुझे घर पे कहीं मिल नहीं रही। वही घर में होंगी कहीं। देखो, सच सच बताओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, प्लीज बता दो ना। दीदी, एक दिन बस से नहीं जा सकती। बस से? भैया, उन्होंने भैया कहा और तुमने दीदी। हम दोनों जुड़वा हैं, पहले कौन पैदा हुआ नहीं जानते। अपनी उम्र कम बताने के लिए वो मुझे भैया कहती है और उसे बड़ा बनाने के लिए मैं दीदी। Your bag. Thanks. पहुंच कर फोन करना, भूलना मत। Sure. Good luck with your ad. Thanks. चलो, bye. हरी, क्या तुम अपनी बहन को 4 दिन और बस से जाने के लिए कहोगे? मैंने तुम्हारी भी टिकट बुक करवाई है। तुम बुरा ना मान जाओ, ये सोच के मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। तो तुम आ रहे हो ना मेरे साथ? पहले बता दी तो मैं अपना सामान लेकर आता। उसकी फिक्र मत करो। ऐसे कैसे चलूं? चलेगा, ऐसे ही चलो। मैडम, ऑल सेट। रेडी, टेक। नहीं, कोई बात नहीं। क्या? एक मिनट, इसे हटाने दीजिए। ए, तुम दोनों इधर आओ, हाथ लगाओ। कैमरा। उस बच्चे की तरह वो भी मेरे घर के पास रहता था। उसका नाम नहीं जानती, पर जब भी मैं उदास होती मुझे हंसाने आ जाता। पहली बार मैं उसकी वजह से हंसी और अब आज तुम्हारी वजह से। असल में मैं खुद को जाहिर नहीं कर पाती। बचपन से ही घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं हमेशा अकेले रही, कोई बात करने के लिए नहीं था। मैं बस खुद से ही बात करके वक्त काटती थी। मैं दूसरों के सामने कभी खुद को जाहिर नहीं कर पाई, पर किसी से अपने मन की बात कहकर बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन बात करने के लिए कोई अपना भी तो चाहिए ना। पता नहीं क्यों तुमसे ये सब कहने को मन किया। थैंक्स फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ।
जिंदगी है मस्ती। पांच दिन तो यूं ही निकल गए ना। हरी आंटी मंदिर गई है। थैंक यू। कम। पहली बार मैं शैलू को अपने घर लेकर आया। हम इस घर में 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज इस घर में कुछ नया लग रहा था। क्या लोगी तुम, चाय या कॉफी? कॉफी। आ गया था, आते ही सो गया था। आप भी ना। मॉम, शैलू। नमस्ते। हेलो। हाय। हाय। हरी तुम्हारी बहुत बातें करता है, कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ आंटी। मुझे ही नहीं, घर में सबको शैलू बहुत पसंद आई। मैं और देर नहीं करना चाहता था, उससे वो कहना चाहता था जो बचपन में नहीं कह पाया था। एक्सक्यूज मी। हेलो शैलू, जल्द से जल्द घर आ जाओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, आ रही हूँ। हरी, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। मैं ड्रॉप कर देता। रहने दो हरी, मैं चली जाऊंगी। बाय आंटी। बाय अंकल। बाय बेटा। बाय हरी। बाय। बाय। कीर्ति, हाय। मैं 2 दिन से शैलू को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो ऑफिस आई है? वो ऑफिस तो नहीं आई। ओके, अगर उससे बात होती है तो उसे मुझे फोन करने कहना। हाँ, श्योर, बोल दूंगी। या, थैंक्स। बाय। बाय। पता नहीं अचानक क्या हो गया था, शैलू अपना फोन नहीं उठा रही थी, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। ये 4 दिन मेरे लिए 4 महीने के बराबर थे। काश लाइफ में फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता तो लाइफ को तब तक फॉरवर्ड करता जब तक शैलू के पास ना पहुंच जाता और वहां से प्ले करता। प्यार में पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार का इजहार करना बहुत मुश्किल। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे एग्जाम्स एक साथ दे रहा था। ये अलग बात है कि यहाँ सब्जेक्ट लव था। अब तक क्या हुआ आप सब जानते हैं, अब साथ मिलकर देखते हैं कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके आने का वक्त हो गया। hey, तूने मुझे धोखा दिया। लड़ने आया? ड्यूएट गाने आया हूँ। मूड नहीं है यार। मूड मतलब? मैं यहां तेरा मूड बनाने नहीं आया हूं। प्लीज मेरी हालत समझ, वैसे ही शैलू को प्रपोज करने की टेंशन हो रही है। ये शैलू कौन है? जैसे तेरी सुचित्रा है ना, वैसे मेरी शैलू है।
कैसे हो तुम? शैलू कहाँ चली गई थी? एक हफ्ते से गायब, फोन नहीं उठा रही थी, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी। थोड़ा सा काम आ गया था। ओह, ओके। क्या हो गया? क्यों बुलाया मुझे? लंच किया? हरी, क्या बात है बोलो। तुम्हारे आने से पहले कुछ कहना चाहता था, पर अब तुम सामने खड़ी हो तो पता नहीं कैसे कहूं। अब तक मेरी लाइफ में जो भी लड़की आई है उसे बिना सोचे समझे, बिना डरे, बिना रुके प्रपोज कर देता था। फर्स्ट टाइम मुझे डर लगा और जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। उसे क्या कहते हैं जो 5-स्टार होटल्स में टेस्टी चीजें बनाकर सबको खिलाता है? उसको बावर्ची बोलते हैं ना। मैंने पूछा। हाँ, एक शेफ। तुम सोच रही होगी प्यार में शेफ कहाँ से आ गया? मेरा प्यार कुछ शेफ की जिंदगी जैसा ही है। एक शेफ रोज न जाने कितनी चीजें बनाता है, हजारों डिशेस चखता है, लेकिन उसका पेट घर के दाल चावल से ही भरता है। मेरी जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आई, पर मैंने तुम्हें अपना दिल दिया। मुझे तुम्हारी कुछ इस तरह आदत पड़ गई है। जब भी हम मिलते हैं और तुम जो भी मुझसे कहती हो वो सब अगली मुलाकात तक दिमाग में चलते रहता है, और जब तुम आंखों के सामने होती हो तो जी करता है तुम्हें देखता ही रहूं। बिल्कुल ऐसे, मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये फीलिंग हमेशा रहे। लव यू शैलू। ये सब क्या है हरी? तुम भी बाकियों जैसे निकले, थोड़ी क्लोज क्या हुई? इसे प्यार समझ बैठे? कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब तक तुमने चलो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। प्लीज झूठ मत बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुमने जो अभी कहा वो प्रॉब्लम है। मुझे लगा कुछ जरूरी काम है, अगर पता होता ये काम है तो आती ही नहीं। पर तुम्हारा वो मुस्कुराना, मेरे साथ खुश रहना, वो सब तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्योंकि तुम अच्छे लगते हो, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मतलब? तुम नहीं समझ पाओगे, रहने दो। समझने के लिए पहले बताना तो होगा ना, बताओ मुझे। I love you, but I'm not in love with you. कहा था ना तुम नहीं समझोगे। ए, दिखता नहीं है यहाँ सीरियस बात चल रही है, बाद में बात करेंगे। हम तेरे लिए नहीं आए हैं, इस लड़की के लिए आए हैं। लड़की के लिए? लेकिन क्यों? अबे तू नहीं समझेगा, निकल यहाँ से। इसकी बात समझ में नहीं आएगी, तेरी बात समझ में नहीं आएगी, तुम लोगों को मैं येड़ा लगता हूँ। तेरी तो सब समझ में आ गया ना? भाई ने हमें भेजा था, उन्होंने इस लड़की को उठाकर अपने पास लाने को कहा था। अबे निकलो, मैं अबे निकलो यार, बहुत डेंजर आती है ये। ये सब क्या है शैलू? कौन है ये लोग? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। हरी बस, अब जब मुझे पता चल गया है मुझे लेके तुम क्या फील करते हो, अब मिलना या फिर बात करना ठीक नहीं होगा। जाने अनजाने में अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। शैलू को पहली बार देखते ही मैंने सोचा था कि उसे बार बार नहीं मिलूंगा। तब मुझे लगा था जैसे ईश्वर होता है पर प्यार नहीं, लेकिन अब जब वो मुझे छोड़कर चली गई है तो यकीन हो गया है कि सिर्फ ईश्वर है, प्यार कुछ नहीं। सब लोग अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं।
मुझे अच्छी लगती हो, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। नो शेलू, डोंट गो। सॉरी सॉरी। मेरे पास आओ बेटा। बैठो, क्या परेशानी है बताओ? सांसों का लोचा नहीं है स्वामी जी, लेकिन ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। वो अकेली आई, ना कोई लड़ाई ना कोई मारा पीटी, उसके हाथों में कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन जाते जाते खुशियां छीन गई। ऐसे में तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए बेटा, मन को शांति मिलेगी। जब चैन वो चुरा के गई है तो शांति कहां से मिलेगी? तुम यहां पर? जब से शैलू आपको सॉरी बोल के गई है, मैं ठीक से सो नहीं पाया। प्यार मेरा, दर्द मेरा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मुझे लगा जैसे मेरी सुचित्रा। इस दुनिया में ना दो चीजें नोटिस देकर कभी आती नहीं और ना कभी आएंगी, एक एक्सीडेंट, दूसरा लव। एक्सीडेंट हो जाए ना तो हम टपक जाते हैं या बच जाते हैं, पर लव हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं होता यार। मेरी उषा के लिए मैंने दिल में मंदिर बनाया था, फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। आजकल लड़कियां मंदिर में माथा टेकने नहीं जाती, मंदिर की जगह पब या बीच हाउस बनाते तो कम से कम वहां तो चली आती। ब्रदर कितने दूं? मुझे ये नहीं चाहिए, बचपन में जिद करके खरीदा था, मैंने बजाया तो सबकी बच गई, तुम ही बचा। ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? प्यार में फेल हुआ दाढ़ी नहीं बढ़ाएगा तो क्या जिम जाके सिक्स पैक बनाएगा? मैं और अशोक सिर्फ दोस्त थे, दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। मैं नहीं देखता तो पता ही नहीं चलता। एक दिन अचानक शादी करके आ जाती और एसएमएस भेज के कहती आशीर्वाद चाहिए। कब से बके जा रहा हूं, लड़के के बारे में कुछ बताओगी या मुझे मेल करोगी? वो शैलू का भाई है। कब से चल रहा है? अचानक से वो मुझे कल मिला, उसने कहा हम घर पर बिना बताए एक दूसरे से शादी कर लेंगे। क्यों, कोई खास वजह? एक दिन उसने बताया कि उसकी मॉम ने उसे अर्जेंट घर बुलाया है। शैलू और अशोक को तो अब तक ये भी नहीं पता था कि उनके दादा भी हैं। इनकी तबीयत अब कैसी है? माइल्ड स्ट्रोक था, डॉक्टर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वीना आंटी हूं। क्या भाई साहब बच्चों को अपने पुराने पड़ोसियों के बारे में कुछ नहीं बताया? आज 18 साल बाद मुझे इन्हें बताना पड़ रहा है। आपके पिता को आपने छोड़ दिया, उनका अकेलापन उन्हें खाता रहा, लेकिन आप नहीं आए। अब ये दूरियां खत्म कर दीजिए भाई साहब। शैलू को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ।
इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। मेरी बेटी की खुशनसीबी देखो, एक घर छोड़कर दूसरे घर जा रही है और आज इसी की वजह से दो बिछड़े हुए परिवार एक हो जाएंगे। शैलू के साथ जो हुआ उसे देख अशोक को इस बात की टेंशन थी कि कल कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन शैलू मुझसे कह सकती थी, हरी मैं ये शादी नहीं करना चाहती, चलो हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। अशोक भी मुझे ले जाने की बात कर रहा था, मैं चली जाऊं क्या? तो फिर अपने पेरेंट्स से कह देती, पापा मुझे हरी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उनसे ये कह पाना ही तो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये जवाब पहले से तैयार करके आई है। पापा उनकी फैमिली हमारी फैमिली की तरह नहीं है। आप हमें किसी बात के लिए मना नहीं करते, लेकिन उनकी फैमिली में ऐसा नहीं होता। मैं अशोक को बचपन से जानती हूँ, माँ बाप उन्हें आज तक समझ नहीं पाए, उनकी पसंद नापसंद वो बिल्कुल नहीं जानते। अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं है बेटा, लेकिन लड़के के माता पिता को बताए बिना करना ठीक नहीं होगा। अब क्या करना है? सिचुएशन मेरी समझ में आ गई है, मैं संभाल लूंगा। मुझे अशोक से मिलना है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, पर जिम में ऐसा नहीं होता। जिम में पसीना बहता है लेकिन वो तो नमकीन होता है। सॉरी, दीदी ने कहा था गंदे जोक मारता है। दीदी? वो तुम्हें भैया बोलती है? ये दीदी भैया का खेल भूल जाओ, वरना प्यार में फेल हो जाओगे। आज तक मेरी दीदी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन पहली बार उसने कहा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी शादी तुमसे कराऊं। तुम्हें एक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। समझ लो तुम दोनों की शादी फिक्स, लेकिन अगर तुम चाहते हो ये मुमकिन हो तो मुझे तुम्हारे परिवार को जानना होगा। ये तो मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। मुझे बस एक मौका दो, चौका मार दूंगा। हाँ याद आया, कल मेरी पूरी फैमिली अष्टविनायक जा रही है दर्शन करने के लिए, तुम भी चलो ना प्लीज। मैं मेरे लिए, तुम्हें मेरी कसम है हरी। मेरा बेस्ट फ्रेंड हरी। हेलो पापा। हेलो अंकल। हेलो हरी, मेरी बहन। हाय माँ, मैंने इसके बिना आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाया। शैलू की शादी के लिए मैंने इसे अपने साथ आने के लिए कहा। अच्छा किया। आओ बेटा। हाँ चलो शैलू। हमारे हाथ में भी बुक होती तो ये लाइब्रेरी लगती है आंटी। पापा का फोन आ रहा है पर फोन चार्ज नहीं। क्या चार्ज नहीं है? लाओ मैं इसे चार्ज कर देता हूं।
उससे बात की क्या? गुरु, आपको शैलू का कोई मैसेज या कॉल आया? जल्दी बोलो, बीपी हाई हो रहा है। हेलो। हेलो, आप कौन? मैं शैलू का भाई बोल रहा हूँ। शैलू का भाई? हरी और तुम साथ में? शैलू की शादी तय हो गई है। वाह, कब है शादी? 22nd। मैं जानता था हरी और शैलू की लव स्टोरी जरूर होगी। साला आज का तो दिन बन गया। बचपन में आपके घर के पास ही रहता था। अच्छा? तब से अशोक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या हुआ? हरी, एक मिनट बाहर आना, मैं अभी आया। तुम शैलू को पहले से जानते हो, लेकिन तुम तो अपनी बहन के लिए आए थे ना? तुम्हारी बहन के लिए? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उससे क्या होता, बता देता तो तुम मुझे अपने परिवार से ये कहकर नहीं मिलवाते कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल मत करो। तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया तो क्या पागलों की तरह दर दर की ठोकरें खाऊं, या फिर तुम्हारे और मेरी बहन के प्यार के लिए तुम्हारे परिवार से प्लेटफॉर्म पर भीख मांगूं? तुम अपनी बहन मुझसे सेट कराओ और मैं अपनी बहन तुमसे। सेट? छी, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं? डायरेक्टली आई विल टॉक टू योर फादर। अच्छा, मेरे पापा कोई वैसे पापा नहीं है जो तुम्हारी बात सुनेंगे। वेरी बैड फादर। जात पात का कीड़ा उनके दिमाग के बहुत अंदर घुसा हुआ है। बाल कटवाने भी जाते हैं ना तो ना ही सिर्फ अपनी जात का लेते हैं, और अगर नहीं हुआ तो। आगे का समझा, लेकिन पीछे के कैसे काटते होंगे? और शादी से पहले? प्रॉब्लम मेरे पापा के बाल हैं या तुम्हारी शादी? मेरी शादी। तो वो होने के लिए शैलू और मेरा एक होना जरूरी है। शैलू भी तुमसे प्यार करती है? तो फिर वो शादी के लिए क्यों मान गई? जैसे तुम मेरे घर में बिना बताए प्रिया को भगा के शादी करने वाले थे, वैसे ही शैलू ने भी चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम करने क्या वाले हो? किसी को बताओगे तो नहीं? परफेक्ट प्लानिंग जैसा कुछ नहीं होता, चलते चलते एडजस्ट करना पड़ता है। चलो। जमाई बाबू, चेन तो बहुत चमक रही है, मेरी बहन के लिए खरीदी है। शर्ट बड़ी अच्छी है। सुबह से यही तो पहनी है, जो चाहते हो साफ साफ बोलो। कुछ नहीं, कल तुम्हारी बहन का बर्थडे है। हाँ तो तुम्हारे नाम के बैनर लगवाऊं? फ्रस्ट्रेशन में अच्छे जोक मारते हो यार, मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। मंदिर के बाहर की चेन मिलते हैं, वही खरीद के दे दो। तुम मेरी बहन को सोने की चेन दोगे और मैं तुम्हारी बहन को की चेन दूंगा? उसका और इस बात का क्या कनेक्शन है? देखो, तुमने मेरी बहन के लिए सोने की चेन खरीदी है, समझो कि मैं वो चेन तुम्हारी बहन को दूंगा। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो चेन लौटा देगी और मैं वो चेन तुम्हें दूंगा, तुम मेरी बहन को देना। लगता है मराठी फिल्म भोजपुरी सबटाइटल्स के साथ देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आया। देखो, तुमने जो सोने की चेन मेरी बहन के लिए खरीदी है, समझो अगर मैं तुम्हारी बहन को दे दूं, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो चेन मुझे लौटा देगी, मैं तुम्हें दूंगा और फिर तुम जाके मेरी बहन को देना। हाँ, कॉम्प्लेक्स स्टोरी का रिपीट टेलीकास्ट देखने से स्टोरी समझ नहीं आती, जो बोलना है सीधा बोलो। रहने दो, ये सोचो कि 10 मिनट के लिए चेन तुम्हारी है ही नहीं और मुझे दे दो। इतना क्या सोच रहे हो जमाई बाबू, मेरी तुम्हारी बहन से शादी हुई तो चेन दहेज समझ के माफ कर देना, तुम्हारी शादी हुई तो तोहफा समझ लेना, दोनों तरफ से फायदा तुम्हारा ही है। कहाँ रखी है चेन? रुको रुको, मैं देता हूँ। उल्लू तो नहीं बनाओगे? कसम खाता हूँ, बस दे। भरोसा करके दे रहा हूँ, तोड़ना मत। क्यूट बॉय। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आसपास के लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, ये दुनिया बदलेगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, तुम्हारे लिए मेरा प्यार। ये बढ़ता ही जा रहा है। नेट पर सर्च किया तो इससे बढ़िया रोमांटिक डायलॉग कोई नहीं था, तो यही चिपका दिया। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हैप्पी बर्थडे शैलू। मत लेना, पूरे 1 लाख की है।
नहीं ले रही। थैंक यू। हे मॉर्निंग। आंटी मैं हूं ना, लाइए मुझे दीजिए। थैंक यू। आई वैसे आंटी पैकेट में ऐसा क्या खास था? शैलू की शादी का कार्ड, सबसे पहला कार्ड भगवान को देते हैं ना। ऊपर वाला कमाल है। दर्शन अच्छे से हो गए ना? नमस्ते श्रीनिवास जी, हर बरस तो आप अकेले ही मंदिर आते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन इस बार परिवार के साथ? बेटी का रिश्ता तय हो गया है। चलिए अच्छा हुआ। अंकल हर साल यहाँ आते थे? हाँ बेटा, अपनी बेटी के जन्मदिन पर यहाँ आते हैं, उसकी खुशी के लिए हवन करवाते हैं और यहाँ आने वाले गरीबों के खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अच्छा चलता हूँ श्रीनिवास जी, आरती का समय हो गया है। ये मुझसे क्या हो गया? शैलू इधर आओ। नाश्ता किया? पढ़ाई अच्छी चल रही है? स्कूल में अच्छा लग रहा है ना? मैंने पापा को कितना गलत समझा। मैं जिसे शैतान समझती थी वो दरअसल बहुत नेक दिल इंसान थे। जाओ स्कूल जाओ। वो हमेशा मेरी परवाह करते रहे और मैं कभी उनसे प्यार ही नहीं कर पाई। I really misunderstood my father. मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। कृष्णा नाम का 4 साल का बच्चा मिला है, उसके माँ बाप जहाँ पर भी हों कृपा करके मंदिर के ऑफिस में आकर उसे ले जाएं। श्रीनिवास राव उम्र 54 साल, कृपा करके मंदिर के ऑफिस में आ जाइए, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। उस तरफ चलकर देखें। लीजिए वो आ गए आंटी। चलें। लक्ष्मी उम्र 24 साल, जहाँ पर भी हो कृपा करके मंदिर के ऑफिस में आ जाइए। कंपनी वाले बार बार फोन कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो बाबजी का नाम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ तो छोड़ दो ना प्रोजेक्ट। एक आदमी के लिए मैं 100 करोड़ छोड़ दूं क्या? पागल नहीं हो? कुछ तो करना पड़ेगा। मालकिन जी। दूल्हा बहुत क्यूट है। वो दूल्हा नहीं है सरला, अशोक का दोस्त है। ऐसा है तो मैं उस पे लाइन मार लूं। ए, जब देखो लड़के पटाने की बात करती है जा अपना काम कर। सारे अरेंजमेंट्स मैंने करवा दिए हैं, लेकिन मंडप वाले पे मुझे थोड़ा सा शक है, रेट कुछ ज्यादा ही लगा रहा है वो। पैसे की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, खर्चा जितना भी हो लेकिन हमारी पसंद और रुतबे के हिसाब से होना चाहिए। पर अगर किसी भी वजह से काम अटका। बात मुझे अच्छी तरह समझ आई ना? चलता हूँ सर। चलो किसको? अंकल। खुद कब्र में पैर लटकाए बैठे हो, मैं कैसे तुम्हारा अंकल हुआ?
सुपर। ये शैलू का घर किधर है? ओ, श्रीनिवास चाचा का घर क्या? हाँ। सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाना। ओ, थैंक यू अंकल। ससुर जी आ गए। सफर तो ठीक था ना? हाँ ठीक था। मुंह लटका के क्यों बैठे हो? और क्या करूं, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, अब किसी को पता चल गया कि तुम कौन हो तो। किसी को कैसे पता चलेगा, मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं। तुम इतने बेवकूफ नहीं कि किसी को बताओ, और तुम्हारी बहन की बात करूं तो वो तो किसी से बात नहीं करती। सो ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता, फिक्र छोड़ो और स्माइल करो। मेरी बच्ची तुम ठीक हो? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान वाकई है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। मुझे पहले से ही पता था कि ये शादी होके रहेगी। ऐसी शादी होगी कि सालों तक लोग इसी की चर्चा करते रहेंगे। आप सब मुझ पे छोड़ दो अंकल। हाँ, करेंगे। हाँ, फ्रेश होके आते हैं। क्या हुआ भाभी, ये कौन है? अशोक का दोस्त है। हाँ, इधर अभी गुरु। अरे अंकल, यहाँ क्यों आ गए? मेरे बिना ये शादी कैसे होती गुरु? मैं ना होता तो भी शादी हो जाती। शादी मेरी और शैलू की नहीं हो रही, उसके किसी और के साथ हो रही है। लड़का अभी यूएस से आया है। वो साला कहीं से भी आया होगा। रुको, लोग उसके बीच में साला यूएस लंदन वाला कोई नहीं आ सकता। चलो बात करते हैं। क्या बात करेंगे अंकल, मैं शैलू से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, बेचारी बोल नहीं पाती, प्लीज हमारी शादी करवा दो। ऐसा कहेंगे तो दोनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। चुपचाप घर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ और है यार, और तुम्हें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि तुम समझ पाओ। सो कूल, मैं संभाल लूंगा। ओके, तो मैं यहां से जाता हूं। अरे अभी कहां जाओगे? यही तो बात है ना, आया तो प्रॉब्लम, जाऊं तो प्रॉब्लम। तुम बैग उठा के ऐसे आए हो जैसे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जा रहे हो। अब तुम यहां से गए ना तो उन लोगों को डाउट हो जाएगा। तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मेरी इंक्वायरी होगी, और प्लान पर पानी भर जाएगा। सो यहीं रहो। मुझे किसी ने कुछ पूछा तो? कोई तब पूछेगा जब तुम जाके मुंह लगोगे ना। बस यहीं टिके रहो, मर जाओ पर सच मत बोलना प्लीज। सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर मेरी जान चली जाए तो भी कोई गम नहीं। दीदी अशोक से कॉल करके बात करो। हाँ श्रीकांत। श्रीकांत? हाँ, मेरे सारे स्केचेस रेडी हो गए हैं, मैं एक्चुअली डिजाइनिंग शुरू करने वाला हूँ। ये तुम क्या बोले जा रहे हो, तबीयत तो ठीक है? Thank you.
हरी। जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो लगता है क्या नाम रखा है माँ बाप ने। हरी प्लीज, यहाँ रहकर अपना वक्त मत बर्बाद करो, चले जाओ यहाँ से। मुझे जाने बिना तुम्हें लगा मैं तुम्हारी दोस्त की शादी करवा सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। मैं फिर से कहती हूँ हरी, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, पर ये कभी नहीं लगा कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। अगर मेरे साथ रहना पसंद है तो मतलब मेरे बिना नहीं रह सकती। मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती इस बहस में नहीं पड़ना है मुझे। तुम्हारी सिचुएशन समझ में आ गई इसलिए आया। कौन सी सिचुएशन हरी? 10 दिन बाद मेरी शादी है। एग्जाम कल हो तो मैं रात भर पढ़ाई करके पास हो जाता हूँ। हमारे पास तो 10 दिन है, गारंटीड डिस्टिंक्शन। जो नहीं हो सकता उसकी उम्मीद मत रखो। तुम्हें यहाँ इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें मेरी फिक्र है, यही मेरे लिए बहुत है शैलू। इसी को मैं प्यार कहता हूँ। सबका नाश्ता हो गया तो चले? हाँ चलो। तुम अब तक तैयार नहीं हुए? कहाँ जाना है? शॉपिंग। मेरी शॉपिंग हो गई। पर कब? अभी अभी, मैंने ऑनलाइन खरीद लिया। आप लोग शॉपिंग कराइए। शादी करने खुद ही आओगे या वो भी ऑनलाइन कर लोगे? हाँ तो चले। श्रीनिवास अंकल नहीं आ रहे? अंकल की स्टोर के मालिक से बात हो गई है, तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अंकल, छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं। हम जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहें तो शैलू कभी नहीं भूलेगी। शादी के बाद सब बदल जाएगा। दिवाली होली पर आप घर आकर शैलू को बस फोन करके उसका हालचाल पूछेंगे, महंगे तोहफे भेजेंगे, उन्हें बधाई देंगे, बस। शैलू की शादी का आप पूरी तरह हिस्सा बन सकते हैं, मौका मत गंवाइए। वैसे कार में जगह है? हरी कहाँ है? ये वाला देख भाभी, ये वाली सुंदर है। चलो बाबू, हाँ जी, जितनी भी वैरायटी है सब दिखाओ। ओके, हाँ। कुछ ब्राइट कलर्स दिखाइए ना। ओके। लाल रंग में नहीं है, है ना मैम? ये देखिए। हाँ, हाँ, ये पिंक साड़ी बहुत अच्छी है। बॉर्डर देखो शैलू पर, ये रंग बहुत जच रहा है भाभी। हाँ ये लेते हैं। वाह, क्या चॉइस है तुम्हारी यार, मेरी बहन पर अच्छा लगेगा। अभी खरीद लो। कार्ड कहाँ है तुम्हारा? रुको, क्यों? मेरे पैसों से मेरी बहन को गिफ्ट दोगे? अब एक नेल पॉलिश तक का पैसा नहीं दूंगा। काफी स्मार्ट हो गए हो, आओ। भाभी वाली साड़ी अच्छी है ना? इसे भी पैक करा लें क्या? ये सारी साड़ियाँ पैक कर दीजिए। बॉस एक मिनट, शैलू तुम्हें साड़ियाँ पसंद आई? सब अच्छी है तो पसंद क्यों नहीं आएंगी? सुंदर दिखना एक बात है, पसंद आना दूसरी बात। जिसके लिए ले रहे हैं उससे पूछ लो। शैलू तुम्हें पसंद है? तुमने बताया क्यों नहीं बेटा? उसने ना बोला तो आप पूछ लेती आंटी। तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? दुल्हन को साड़ियां पसंद नहीं है, जल्दी और साड़ियां दिखाओ। चलो चलो। ओके सर। वो वाली दिखाना। हाँ। जो तुम्हें अच्छी लगे हम वही लेंगे। शादी दो आत्माओं का मिलन है। हाँ, कोई समझौता नहीं। प्लीज प्रेशर में आके मैं कीर्ति से बात करती हूँ। मैं बताती हूँ ना। ओके। शैलू
बस ना आए तो हम लोग ऑटो में बैठ के जा सकते हैं। अगर ऑटो भी ना आए तो किसी से लिफ्ट मांग सकते हैं। लेकिन किसी एक से प्यार करके दूसरे से शादी करने में लोचा ही लोचा है। डोली में बैठ के लवर के घर निकल जाना चाहिए। अगर अपुन तुम्हारी जगह होता ना सिस्टर, तो एक मंडप में हरी से 7 नहीं 70 बार फेरे लेता। काय को ही शादी में इतने सारे लोचे लफड़े कर रही हो? हरी से सेटिंग करो और सब सेट कर दो। हरी हरी मस्त लड़का है। शैलू जी कहाँ चली गई? क्या कहना है, किसे कहना है, कुछ नहीं पता। कम से कम जो कहते हो वो तो ढंग से कहा करो। अच्छा हुआ मैंने सुन लिया, अगर उसके मम्मी पापा सुन लेते तो बैठे बिठाए मेरे सारे प्यार का राम नाम सत्य कर देते। गुरु सुनो ना, पूरी रात बैठ के मैंने लिखा है। और कौन साला 10 बार शादी करता है? खाली डब्बे कहीं के। अरे आंटी, मैं एक बात पूछना चाहता था, सब एक साथ बैठकर क्यों नहीं खाते? अरे रे रे, ऐसी गंदी आदत इस घर में किसी को भी नहीं है। साथ में रह के भी कोई घर में एक साथ नहीं है। आंटी दादा कहाँ हैं? ऊपर। क्या दादाजी, सब नीचे बैठे हैं और आप यहाँ ऊपर हैं? क्या फर्क पड़ता है, मेरे बिना भी तो सब खुश हैं। मेरे साथ ड्रिंक लोगे? ये कोई इस तरह से पूछता है क्या? आपको पूछना नहीं चाहिए, ग्लास थमा देना चाहिए। चीयर्स। चीयर्स। वैसे दादाजी, आप और श्रीनिवास मेरे सामने उसने कमे का नाम मत लो। मैं उसका बाप हूँ या वो मेरा है? मैं घर आया तो उसने मेरे पांव तक नहीं छुए। उसके साथ होता हूँ तो वो गूंगा बनकर खड़ा रहता है। क्या मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आया हूँ? पहले से वो ऐसा ही है, जिद्दी। शुरू शुरू में हालात कुछ ठीक नहीं थे, उसका बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसने सबसे इतना उधार लिया था कि लोग मुझे ताने मारते थे, जो मुझे कांटे की तरह चुभते थे। उसकी उम्र तो बढ़ी पर धंधा नहीं, फिर भी लगा कि वो जिंदगी जी लेगा। उसे फिर एक बेटी हुई। अंकल, आपको एक पोती हुई है? पता नहीं मैं इससे खुश हूँ या दुखी। अब तक मुझ पर उन तीनों की जिम्मेदारी थी, अब एक और की आ गई है, बोझ और बढ़ गया। श्रीनिवास फिर बाप बन गया, लेकिन उस मासूम की क्या गलती है जो उसे ऐसा बाप मिला है? भाई साहब, अंकल ने जो कहा गुस्से में कहा। आज कहा है तो कल बच्चों के सामने भी कह सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अपने आगे की जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं। और उसी पल वो घर छोड़कर चला गया। बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए वो दूर रहा अपनी पत्नी से और साथ ही अपने बच्चों से। उसने जिंदगी में काफी संघर्ष किया, लेकिन आज जब मैं उसे देखता हूं तो फक्र होता है उस जैसे बाप पर। जब से मैं यहां आया हूं बात करना तो दूर उसने मुझे देखा तक नहीं है। मरने से पहले जानते हो मेरी आखिरी इच्छा क्या है? वो मुझसे बात करे। लेकिन वो आपसे बात क्यों करे? आप भी तो उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा, आप पीतांबर सिंह हैं। सिंह यानी शेर, शेर पहले कदम उठाता है। ए शिनू, मेरी बात सुन। अरे सुनना, अरे तू उधर क्या देख रहा है? मैं इधर खड़ा हूं। मैं जब से यहां आया हूं मुझसे बात करना तो दूर, तूने मुझे ठीक से देखा तक नहीं है। सच बता, क्या तूने मुझे इतना पराया कर दिया? अरे मैं तुझसे माफी मांग रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। तू अगर कहे तो मैं पैर पकड़ता हूं। बेटे मेरा श्रीनि, क्या चल रहा है जमाई जी? प्रिया से चैटिंग है?
क्या बात है, तुम हंस रहे हो इतने टाइम के बाद? कुछ भी कर लो, शैलू तुम्हारी नहीं होगी, लेकिन हाँ, प्रिया और मेरी शादी पक्की है। कैसे? शैलू की शादी के बाद जब सबका मूड अच्छा होगा तब मैं उन्हें प्रिया के बारे में बताऊंगा और फिर सब सेट है। ओ, तब तक वेट करने की क्या जरूरत है, अभी सब अच्छे मूड में, अभी बता देते। ए! समझ गए ना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो यहाँ दिखाई मत देना। गड़बड़ नहीं होगी सर, मैं कह रहा हूँ। अंकल आंटी, अशोक एक जरूरी बात करना चाहता है। चल बोल। क्या बात है बेटा? छोड़ यार, घर वालों को बताने में इतनी शर्म, चल हट। अंकल एक हफ्ते बाद शैलू की शादी है, सब दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे, खाना खाएंगे, कुछ देर बाद शादी और सब कुछ भूल जाएंगे। एक दिन के फंक्शन के लिए लोग क्यों आएंगे, ऐसा अशोक को लग रहा है। तो हमें और क्या करना चाहिए? अंकल शादी की वजह से सालों बाद दादाजी हमारे इतने करीब आए, क्यों ना बाकी रिश्तेदारों को भी इसी बहाने यहाँ बुलाया जाए, ऐसा इसने सोचा। कैसे? दादाजी आजकल शहरों में ना शादी लोग ठीक ठाक करते हैं, लेकिन संगीत धूमधाम से करते हैं। हाँ, सो शादी से पहले संगीत तो होना ही चाहिए, यही हमारे अशोक का आइडिया है। इसी बहाने मैं अपनी फैमिली को बुला लूंगा, बोलना। हाँ ओके। पापा आइए। अंकल अरे आप इतनी जल्दी आ गए, आइए। नमस्ते, नमस्कार, नाइस टू मीट यू। पापा मम्मी और दीदी। नमस्ते, नमस्कार। ये मेरी फैमिली है। क्या ये कहता था माँ से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, लेकिन जब से यहाँ आया मुझे भूल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं पापा कोई प्रॉब्लम नहीं, होगी भी तो तू संभाल लेगा, ठीक हो ना बेटा? ये सब क्या है हरी? तुमने कॉल तो ऐसे किया था जैसे तुम दोनों की शादी हो रही है। अब कुछ भी नहीं हो सकता है क्या? सच्चा प्यार कामयाब होता है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक हमारे प्यार में मेरा विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। यह अच्छा है कि शैलू अपने पापा के करीब जा रही है, लेकिन यह डर भी है कि कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। उसे अपने पापा को बताना होगा, वो मुझसे प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। कीर्ति, कभी लगता है कि शैलू शायद मेरी हो ही नहीं पाएगी। अंदर से रोता हूं लेकिन बाहर से दिखा नहीं पाता। हरी, पता नहीं मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। अब तक जो भी डांस परफॉर्मेंस देखे हैं वो सब बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंसेस थे। अब हम पॉइंट पर आते हैं, हम देखेंगे कि घर वाले शादी के बारे में कैसा फील करते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये लोग नहीं जानते थे कि हम छुपकर वीडियो शूट कर रहे हैं, हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है, बस इनकी सच्ची फीलिंग्स आपको दिखानी है। प्ले। तो क्या करूं, सबके सामने बेली डांस करता फिरूं?
सच कहूँ तो इन रिश्तेदारों से तो अब डर लगने लगा है मुझे। जो मिलता है बोलता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ और गले लगा लेता है, और फिर वही घिसा पीटा सवाल, शादी कब करोगे? क्या तुम भी? ये सब नौटंकी तो है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। मुझे शैलू पसंद है, बस यही इम्पोर्टेंट है। लड़की वालों के चार लोग, हमारे चार लोग, चुपचाप आराम से कोर्ट मैरिज कर लो। ये रिलेशंस, ये इमोशंस, ये फॉर्मेलिटीज, ऑल आर बुलशिट। क्यों आंटी आज इतनी खुश क्यों लग रही हैं? मतलब 25 साल पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, ये माहौल, ये खुशी, ऐसा लगता है सब मिल गया। मुझे ये टेंशन होती थी कि मुझे भी अपनी बेटी को एक अनजान घर भेजना पड़ेगा, लेकिन उसकी किस्मत देखो, अपने ही घर जा रही है। हाँ आंटी, लेकिन अंकल सबको छोड़कर चले गए थे, तब आपको बुरा नहीं लगा था? बुरा कैसे नहीं लगता, हर बीवी की तरह मैं भी उनके लिए गरम खाना बनाना चाहती, संडे को उनके साथ मंदिर जाना चाहती, उनके साथ रहना चाहती, बातें करना चाहती, और भी बहुत चीजें होती हैं। लेकिन दूर रह के भी उन्होंने एक पति और पिता होने का फर्ज अच्छे से निभाया, और अब एक हफ्ते बाद ये सारी चहल पहल खत्म हो जाएगी। आंटी, मेरी शैलू यहाँ से चली जाएगी, भले ही वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन इस बात की तसल्ली होती है कि वो मेरी नजरों के सामने है। हरी, घर में ये सारी रौनक तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी शादी के लिए हम पूरे एक महीने पहले आ जाएंगे। आप यहाँ क्यों बैठे हैं अंकल, आपको ये जगह अच्छी लगती है? मेरी बेटी शैलू को लगती है, मैं उसे उसकी पसंद का सब कुछ देना चाहता था, और मैंने ये जगह खरीदी, इसीलिए जिंदगी में इतनी मुश्किलों के बावजूद मैंने ये जगह नहीं बेची। मैं अपने पिता को तो कभी खुश नहीं रख पाया, लेकिन अपने बच्चों को मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूं। उनसे दूर रहकर मैं उन्हें सारे सुख दे पाया, लेकिन उनके पास आके उनका प्यार और लगाव नहीं पा सका। क्या कह रहे हैं अंकल, शादी में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शादी, ये शादी मेरा हमेशा का ख्वाब था, ये शादी हो जाएगी तो मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो मुझे छोड़कर दूर चली जाएगी। एक हफ्ते बाद शैलू इस घर को छोड़कर चली जाएगी हमेशा के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाने से पहले वो एक बार अपने पापा से दिल खोल कर बातें करे, वो सब कुछ कहे जो वो अपने पापा से आज तक कभी भी कह नहीं पाई। अगर वो अपनी मर्जी से शादी भी कर लेती तो मुझे हैरानी नहीं होती, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, शायद मेरी इज्जत की खातिर। उसकी शादी तय होने पर भी उसने मुझसे एक शब्द नहीं कहा, कहीं मेरी बेटी किसी और को पसंद तो नहीं करती? पता नहीं अंकल, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। शादी के बाद विदा होकर लड़की माँ बाप को छोड़कर चली जाती है, जाने ये रीत किसने बनाई होगी, जिसने भी बनाई होगी उसे अपनी बेटी बोझ लगती होगी। मन की बात कहने से मन का बोझ हल्का होता है, अगर वो दर्द किसी अपने से बांटा जाए तो पता नहीं क्यों तुम्हें अपना दर्द कह दिया। मुझे लगता है कि छोटी मालकिन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है।
शैलू, तू इस शादी से खुश तो है ना? आपको ये सवाल मुझसे और पहले नहीं पूछना चाहिए था? ऐसा क्यों कह रही हो? ये वक्त इन सब सवालों का नहीं है माँ। वैसे भी आप लोग खुश है ना, उतना ही काफी है। पापा जी, ये मेरी दादी जी के गहने हैं। दादा जी ने कहा कि मंडप में आने से पहले शैलू इन्हें पहने। शैलू। हेलो। हरी, वो बदमाश बाप जी शैलू को उठाकर ले गया है। आधे घंटे में उसे वापस घर पर होना चाहिए। यहाँ बाप जी कौन है? सामने खड़े हो और मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच बाप जी, तुमने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। शैलू के पापा मुझे लाइक करते हैं ये तो मैं जानता हूँ, पर मेरा उनसे कनेक्शन हुआ है या नहीं ये एक छोटा सा डाउट था। तुम्हारी वजह से क्लियर हो गया। घर में इतने सारे लोग हैं फिर भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हरी, शैलू को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। दिल खुश हो गया यार। उनका भरोसा कैसे तोड़ूं यार, उनकी बात नहीं टाल सकता। अक्सर ऐसे मोमेंट पे कोई देखो आ गया। क्या कर रहे हो बापजी? चिल, मैंने अगर तुम्हें धोया तो तुम्हें और तुम्हारे लुखों में क्या फर्क है? तुमने मेरे प्यार में मदद की है और तुम, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। सॉरी, चलो चलो। बापजी, तुमने मुझ पर एहसान किया इसलिए तुम्हें हाथ लगाए बिना यहां से जा रहा हूं। अगली बार शैलू को टच किया ना, हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। ये सब बस एक दो कौड़ी के लैंड के लिए? शैलू को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे अपने होने वाले हस्बैंड के पास आना चाहिए ना। वैसे भी कुछ दिनों में आप सब लोग उसके लिए पराए हो जाएंगे। हद कर दिया आपने। अब मेहमानों से क्या कहेंगे? और उसे लाने के लिए गया तो भी कौन गया? वो हरी कुछ ज्यादा ही फुदकता है। उस अनजान लड़के को इतना भाव क्यों देते हो? कहीं का हीरो है क्या? वो हीरो है, हीरो ही है। हरी के बारे में एक शब्द भी मत कहना। तू है कौन बे? ये है कौन जो इतने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है? हमें क्या पता, आपके साथ आया था तो हमें लगा आपके पहचान का होगा। मेरे पहचान का कौन है बे तू? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बोलता क्यों नहीं? यहाँ किस लिए आया है? साफ सुन क्या? एए! हरी और शैलू को एक करने के लिए आया हूँ। हरी और शैलू को एक करने आए? तुझे लगा मैं दो प्रेमियों को बिछड़ने दूंगा और तू शैलू से शादी करेगा? माय फुट। पापा जी, ये सब क्या है? अंकल प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। हरी एकदम अच्छा लड़का है और शैलू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। प्लीज एक बार मेरी बात बंद कर। अंकल चल। अंकल प्लीज, तुझे मैं देखता हूं। अंकल निकल। उसे उसी की भाषा में समझा दिया, आगे से वो कभी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा।
बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चल वटक। वो जो गुंडा यहाँ आया था उसने तेरी सारी पोल खोल दी है। ना तू घर वाला है ना परिवार का कोई खास, फिर भी ना जाने कितने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है। ये 10 दिन से आपके घर में कुंडली मार के बैठा है। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी पापा जी। अंकल ये सच है कि मैं शैलू से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया। तेरी झूठी कहानियों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, चल निकल। आंटी आप तो मुझे जानती हैं, आप तो हाँ, समझ गए। अंकल जब आप सब जानते हैं तो मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। आपकी बेटी शैलू। चले जाओ हरी। शैलू तुम मुझे जरा बोलने दोगी? शैलू भी सुना नहीं तुमने? मैं फिर से नहीं कहूंगी, जाओ यहां से प्लीज। शैलू चाहे जैसी भी हो चलेगा, शादी तोड़ के आपकी रही से इज्जत नहीं उछालूंगा, इसे मेरा एहसान समझिए। कल सुबह 7 बजे शादी का शुभ मुहूर्त है, आ जाइएगा। खुद आ गए, मेरा बैग नहीं ला सकते थे? कहा था ना घर से निकाल देंगे। न जाने कैसे संभाल के रखा था, सही टाइम पर एंट्री मारी और पूरा का पूरा बैंड बजा दिया तुमने। किसने कहा था यहाँ आने को? तुम जैसे गुंडे बस लोगों को अलग कर सकते हो, साथ नहीं ला सकते। मैं इतना सीरियसली बकबक कर रहा हूं और तुम वहां पे हंस रहे हो। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए, इसमें मेरी क्या गलती है? और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप ये मत समझना कि मैं ये शादी तोड़कर हरी से शादी करना चाहती हूँ। आपने हरी को बताया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हरी से कितना प्यार करती हूँ। हरी ये नहीं जानता है, लेकिन आप ये जाने ये जरूरी है। मैं बचपन से ही आपके साथ रहने को तरसती रही हूं, लेकिन आज हरी का साथ चाहती हूं। उसकी वजह से मैं मुस्कुराई, खुश रहने लगी। उसी की वजह से मैंने प्यार, गुस्सा, दर्द महसूस किया। उसी से मैंने जीने का मतलब जाना। इतना ही नहीं, आज जो मैं आपके साथ बात करने की हिम्मत जुटा पाई, वो भी उसकी वजह से। उसके बिना जीना मेरे लिए मरने जैसा है। पापा मुझे क्या चाहिए मैं नहीं बता पाती, ये मेरी कमजोरी है। वो मेरे बिना कहे ही सब समझ जाता है, जाने कैसे। ऐसे इंसान के साथ रहूं जो मुझे मुझसे ज्यादा अच्छे से समझता है, या फिर ऐसे के साथ जिसके साथ मुझे हमेशा एडजस्ट करना होगा। समझ नहीं पा रही मैं। हरी ने मुझे इतनी खुशियां दी हैं कि अगर उसके लिए जान भी दे दूं तो भी कम होगा। उसके बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। सुना था प्यार में किसी को बुला पाना मुश्किल होता है, पर आज मुझे पता चला कि वो एहसास होता क्या है। वो हर वक्त मेरे जहन में रहता है, क्योंकि मुझे हर वक्त उसमें आप दिखते हैं पापा।
अगर उसे सिर्फ प्यार करती तो शायद छोड़ देती, पर मुझे उसकी आदत हो गई है। उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। समझ गया पापा, फैमिली का मतलब है मुंबई का साफ सुथरा बीच, सब कुछ एकदम साफ साफ दिखता है और साफ साफ सुनाई भी देता है। वो मैं 5 मिनट बाद बताऊंगा। मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है ये मैंने तब जाना जब वो तुमसे प्यार करने लगी। पहली बार इसने मुझसे बात की, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बताया कि वो क्या चाहती है तुम्हें। मैं उसकी इच्छा को कैसे टाल देता। इसने मुझसे कहा कि इसने तुम में मुझे देखा है। एक बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसका दामाद उसकी बेटी को उससे ज्यादा चाहे। रुको, मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो मुझे छोड़ के तुम अकेले ही जा रहे थे। एक बात बताओ, तुम्हें मैं शक्ल से क्या लगता हूँ? तुम्हें देखते ही तुमसे कनेक्शन जुड़ गया, ऐसा लगा जैसे तुम दुनिया में मेरे लिए बनी हो। अपना सारा काम धाम छोड़कर तुम्हें इंप्रेस करने में लग गया। तुम्हें इंप्रेस किया, तुम्हें हंसाया, तब तक इंतजार किया जब तक श्योर नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने क्या कहा? सॉरी हरी, आई लव यू बट आई एम नॉट इन लव विद यू। तुमने ऐसी बात कही जो दुनिया में किसी के भेजे में नहीं घुसती और उसके बाद तुम वहाँ से चली गई बिना सोचे समझे, और मैं दाढ़ी बढ़ाकर यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूमता रहा। फिर पता चला तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर चला आया। मेरे दिमाग में बात घुसी, हमारे प्यार को कामयाब बनाने के लिए तुम्हारे पापा को करीब लाना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुम्हारे शादी की शॉपिंग की, संगीत अरेंज किया, शूटिंग की, ऐसे लोगों से लड़ा जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। एक मिनट के लिए तो मैं ऐसे डाउट में पड़ गया कि मैं यहाँ आया ही क्यों, तुमसे शादी करने या तुम्हारी शादी करवाने के लिए। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था और मैं आगे बढ़ता रहा। आखिर तुम दोनों को मैं पास ले ही आया। अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आता ही नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं चुपचाप वापस लौट जाऊंगा? प्यार मर जाए तो भी जिंदा कर सकते हैं। प्यार यानी त्याग। मैं कोई आंसू बहाने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें लगा मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर उदास मैसेजेस डालने वाला कोई देवदास हूँ? बहुत अच्छा इंसान हूँ अंकल, पर कभी कभी मामला सीरियस हो जाता है तो दिमाग उल्टा चलाना पड़ता है। फोन अंकल। भाई साहब, अमर सुबह से कहीं नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ गया है, उसका फोन भी बंद है। माँ कॉफी। मैं काम कर रही हूँ, कॉफी पीनी है तो खुद बना ले, सुबह सुबह ऑर्डर करने लगता है। सुनो, दूध कितना डालूं? एक कप के लिए आधा कप दूध। क्या, आधे कप से लाइट कॉफी बनेगी? मुझे डार्क कॉफी पसंद है। मम्मी ने इतना भी नहीं सिखाया। सोचता हूँ तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूँ। पापा यहीं पर हैं, तुम ही बोल दो उनसे। हे रुको, चलो। हाँ हेलो पापा। क्या बात है जमाई बाबू,
मेरी बेटी बहुत तंग करती है क्या आपको? मैं रख लेता हूँ, क्या कहते हो? ऐसा नहीं है, बस उसे थोड़ा सा मिस कर रहा था। पापा हम बाद में बात करेंगे ना। ओके ओके बाय। ओके बाय।